कह दो अदनान की ये सब झूठ है। अदनान ये सब झूठ है ना? नहीं मिशा, ये झूठ नहीं है। क्या? ये सब सच है। जासिम ने तुमसे जो कुछ भी कहा है, एक लफ्ज सच है। नहीं अदनान, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इस तरह के क्रिमिनल एक्ट में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हो? अदनान ऐसा नहीं है ना? प्लीज अदनान कह दो कि ये सब झूठ है। ये झूठ नहीं है मिशा, ये झूठ नहीं है। हाँ ये सब सच है, लेकिन ये भी सच है कि मैं इस क्रिमिनल एक्टिविटी में पैसों की हवस के लिए इन्वॉल्व नहीं हुआ, बल्कि एक मरती हुई बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए। एक जिंदगी हारती हुई बच्ची के ऑपरेशन के लिए, उसकी जिंदगी बचाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। लेकिन नियत खा जितनी भी अच्छी, जुर्म करने की इजाजत तो नहीं देती, जुर्म को जस्टिफाई तो नहीं करती, लेकिन मेरा दिल मुतमईन है। मानता हूं कि मैंने जो कुछ किया गलत किया, लेकिन मैं क्या करता निशा? क्या करता मैं उस मासूम बच्ची को मरता हुआ नहीं देख सकता था, नहीं देख सकता था मैं उस मासूम बच्ची को मरता हुआ। ये तुमने क्या कर दिया अदनान, ये तुमने क्या कर दिया अपने साथ? शायद अंदाजा भी नहीं है कि कितने बड़े केस में इन्वॉल्व हो गए हो तुम। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज नहीं तो कल जासिम किसी भी वक्त यहाँ आ जाएगा तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। जानता हूँ, खबर मिल चुकी है मुझे कि बाकी दो अफराद गिरफ्तार, और अब मेरी बारी है। और इसके बावजूद भी तुम अभी तक यहाँ हो? तो कहाँ जाऊँ, तो कहाँ जाता मैं और क्यों जाता? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूं कि मैंने जुर्म किया, लेकिन मैं आदि मुजरिम नहीं हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास भी है और मैं उसे फेस भी कर लूंगा, सब कुछ फेस कर लूंगा। अदनान अब ऐसा मत करो, क्यों अपनी जिंदगी तबाह मत करो? देखो जासिम ने मुझे सख्ती से मना किया था कि तुम्हें किसी तरह खबर ना हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे पास आ गई ना, क्योंकि हम दोस्त थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और तुम तो हम सब दोस्तों की आंखों का तारा थे ना, तो तुम्हें इस तरह मुसीबत में हम अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? मैं जानता हूं तुम लोगों की मोहब्बतों के सिवा मेरे पास है भी क्या। अदनान तुम प्लीज यहां से कहीं चले जाओ। देखो तुम ज़हीन और टैलेंटेड हो, तुम आसानी से कहीं भी अपना मकाम बना सकते हो, सिर्फ तुम्हें अपनी शनाख्त छुपानी होगी। लेकिन अगर एक बार तुम पकड़े गए और तुम्हें जेल हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम्हारा कैरियर, तुम्हारी सलाहियत सब बर्बाद हो जाएगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं समझ रहा हूँ मिशा, मैं सब समझ रहा हूँ। अपनी दोस्त का दर्द, उसकी तकलीफ महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं। अदनान मेरी बात सुन। मैंने कहा ना मिशा, प्लीज तुम मुझे जितना समझाने की कोशिश करोगी मैं उतना ही शर्मिंदा होता जाऊंगा। इस सारी कॉन्वर्सेशन में मुझे सिवाय शर्मिंदगी के कुछ हासिल नहीं होगा, सो प्लीज अदनान प्लीज मेरी बात। बस मिशा बस, मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगा।